हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। स्टार्टिंग में आप जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं तो हमेशा जो है ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं। बट एक चीज आपने हमेशा नोटिस की होगी कि FNO होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। तो काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कैसे पैसे बनते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है। अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपके लिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग बेस्ट रहेगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग बेस्ट रहेगी, कहां पे ज्यादा रिटर्न्स बनेंगे, कहां पे ज्यादा रिस्क रहेगा, ठीक है। सो आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो मेरा टाइम हुआ है आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी जो है यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में फर्क क्या क्या होता है, ठीक है। तो फ्यूचर्स जो है बेसिकली सबसे मेजर डिफरेंस समझते हैं जिसकी वजह से लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग ट्रेड फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करते हैं, वो ये होता है कि फ्यूचर्स का एक लॉट ट्रेड करने के लिए आपको 1,00,000 रुपए की मार्जिन रिक्वायर्ड होगी। वहीं आप ऑप्शंस अगर ट्रेड करना चाहोगे तो आप एक ऑप्शन जो है मात्र एक लॉट 2,000 रुपए में 3,000 रुपए में एक लॉट खरीद सकते हो। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है जिससे लोग ऑप्शंस ट्रेड नहीं करता, फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करते, क्योंकि फ्यूचर्स का एक लॉट 1,00,000 रुपए, ऑप्शंस कहां 3,000 में हो जा रहा है। अभी चार्ट में डिटेल में घुस के एग्जैक्टली सीखेंगे कि कैसे फर्क आता है, प्राइस का क्या डिफरेंस होता है, तब मजा आएगा ज्यादा डिटेल में, ठीक है। अब जो है यहां पे रिस्क रिवॉर्ड के फैक्टर से समझते हैं, ठीक है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसे ज्यादा बनते हैं लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग में पैसे कम बनते हैं, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग ज्यादा रिस्की होती है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कम रिस्की होती है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपका सेम डे 200 का प्रीमियम 400 जा रहा है तो सेम डे वो 200 का प्रीमियम 50 रुपए 10 रुपए पे भी आ सकता है, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में वही एक लिमिटेड आपका रिस्क रहेगा, एक लिमिटेड रिवॉर्ड रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम चार्ट स्क्रीन पे, तब मजा आएगा समझने में, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे हम बैंक निफ्टी का चार्ट लगाए, ऐसे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट होता है। इसी को आप बैंक निफ्टी चार्ट को फ्यूचर्स का चार्ट समझ के वहां चले, ठीक है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट रहेगा। अब होगा क्या, लेट सपोज आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर खरीदा, कहां पे खरीदा आपने, खरीदा 48,560 रुपए पे खरीदा या बेचा, जो भी, फ्यूचर्स को बाय भी कर सकते हो, फ्यूचर्स को सेल भी कर सकते हो। 48,500 पे खरीदा और 48,500 से जितना पॉइंट ये ऊपर गया, 500 से मान लो ये 600 गया, 100 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है, और आपने 15 क्वांटिटी खरीदी थी तो आपका यहाँ पे 1,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। 1,00,000 रुपए लगा के 1.5% का रिटर्न बन रहा है, ठीक है। और यहीं से ये, यहां से यही 100 पॉइंट नीचे आ जाएगा, आपका लॉस कितना होगा, सिर्फ 1,500 रुपए का, लेकिन 1,500 रुपए बन भी रहे हैं, 1,500 रुपए जा भी रहे हैं। कितना बड़ा कैपिटल लगा के, मतलब कि सेफ प्ले कर रहे हो, फ्यूचर्स में सेफ होता है, कम बनता है, कम आता है, कम जाता है। यही अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की, तो यहां पे जो है अगर आप इस जगह पे खरीदेंगे और यहां से मार्केट अगर साइडवेज हो गई, तब तो पहले बात कोई मोमेंटम ही नहीं मिलेगा। यहां से ऊपर गई, मान लो अगर 500 से 600 गई तो प्रीमियम कम से कम 200 का प्रीमियम हो, लगभग 300 पहुंच जाता है कभी कभी एक्सपायरी के दिनों में, नॉर्मल डेज में 50 पॉइंट बढ़ेगा वो, ठीक है। मतलब समझो एक 300 वाला एग्जांपल लेके चलते हैं कि 200 रुपया, मतलब 200 का आपने खरीदा, वो 300 हो गया, मतलब सीधे सीधे 50% का रिटर्न मिल गया, समझ रहे हो, आपके 2,000 सीधे सीधे 3,000 हो गए। और यहाँ पे वही अगर उतना पॉइंट ये नीचे आता तो वही आपका 2,000 रुपये जो है 200 से प्रीमियम 100 रुपये पड़ जाता और आपका 1,000 लॉस हो जाता, मतलब सेम डे 50% का रिटर्न 50% का लॉस, मतलब 1,00,000 रुपये अगर आपने यूज कर दिया तो पता चला 1,00,000 का 2,00,000 हो गया, 1,00,000 का 1,50,000 हो गया, और वही अगर उल्टा गया तो 1,50,000 रुपये हो गया। तो ये चीज होती है सबसे मेजर डिफरेंस, सबसे मेजर ड्रॉबैक। तो अभी जो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या मेजर फर्क होता है, क्यों लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं फ्यूचर्स में नहीं आते। अभी आगे और भी चीजें मैं डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो देखते रहिए। उससे पहले अगर आपको FNO ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो आप जो है स्टार्ट कर सकते हो एम स्टॉक से, ठीक है। एम स्टॉक एक ऐसा ब्रोकर है जहां पे 1 भी रुपया आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बट इसका मेन और सबसे मेन प्लस पॉइंट यही है कि जीरो ब्रोकरेज विथ नो हिडन चार्जेस। यहाँ पे ओवरऑल टोटल 8.5 लाख हैप्पी यूजर्स हैं, 4-स्टार रेटेड ये ऐप है, बहुत सारे लोग ये ऐप यूज करते हैं, ठीक है। मेन जो है इनका, मैंने आपको फीचर बताया कि ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, तो अगर आपको बिना ब्रोकरेज दिए वाला अकाउंट ओपन करना है तो 999 रुपीज वन टाइम फीस रहेगी। 1 बार 999 रुपए आपको चार्ज देने हैं, जिसमें आपको वो डीमैट अकाउंट मिलेगा जहां पे आपको FNO ऑप्शंस में, इक्विटी में, IPO कहीं भी आपको ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, और जीरो मतलब जीरो ही रहेगा। और अगर आप 999 रुपीज नहीं देना चाहते हैं तो इनका फ्री वाला भी अकाउंट है, फ्री वाला अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ेगा 20 रुपए पर लॉट, ठीक है। एक हम अगर इनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर में आए तो लेट्स सपोज अगर आप डेली 10 लॉट ट्रेड करते हो, ठीक है, डेली अगर आप 10 लॉट ट्रेड करते हो एज ऑप्शन बायर, तो यहाँ पे आपको ईयरली सेविंग 96,000 रुपीज की होगी। अगर आप
15 लॉट ट्रेड करते हो तो साल का 1,20,000 रुपए आप ब्रोकरेज तक में बता सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको MTF की भी फैसिलिटी मिल जाएगी, 6.99 के इंटरेस्ट रेट पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और जो ये पर्टिकुलर ब्रोकर है ये काफी लंबे टाइम से जो है चला आ रहा है, लगभग 2009 से। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको मिराई एसेट का आपको ट्रस्ट मिलता है, और उसी के साथ साथ ये जो है सेबी रजिस्टर्ड, NSE, BSE सबके थ्रू रजिस्टर्ड है, तो ये आपको यहाँ पे कोई ट्रस्ट वाला इशू नहीं आने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एम स्टॉक का लिंक दिया है, आप वहाँ से जरूर एक बार एम स्टॉक को चेकआउट करिएगा। अभी तक मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में मेजर डिफरेंस क्या क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको एक चीज यहाँ पे बोली कि फ्यूचर्स किसके लिए बेस्ट होता है, ठीक है, जिनके पास बड़े कैपिटल है, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, और तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा डायरेक्टली आप ऑप्शंस में मत आए करिए। और दूसरा प्लस पॉइंट ये कि अगर आप एक स्कैल्पर हो, ठीक है, अगर आपको मार्केट का एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, तो क्या मेन पंगा है, जैसे आपको ये पता है कि 600 का एरिया ये रेजिस्टेंस था, तो आपने इस जगह पे सेलिंग की फ्यूचर्स में, नीचे थोड़ी सी मार्केट आई स्कैल्पिंग की, फटाक से पोजीशन कवर अप की, फिर यहीं पे आया, फिर छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया, फिर आपने स्कैल्पिंग करी, फिर यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के स्कैल्पिंग करी, तो फ्यूचर्स उसके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है, बिकॉज फ्यूचर्स में कोई डीके नहीं होता है, ऑप्शंस में आपको हमेशा डीके मिल जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर आपने यहाँ पे 200 का सुबह आपने खरीदा, मान लो यहाँ पे सुबह हुआ आपने 200 का एक ऑप्शन खरीदा, मार्केट ऊपर नीचे तीन बार करके वहीं अगर क्लोज करी, तो शाम को ये ऑप्शन आपका 150 का हो जाएगा, बिना कुछ किए, बिना कुछ नियम फिटकरी के आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं आपका फ्यूचर्स रहेगा तो फ्यूचर्स में आपका एक भी पैसे का लॉस नहीं होने वाला है, समझ गए। तो ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग का बहुत बड़ा फायदा होता है। तो एज अ बिगिनर आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग से कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग से? तो देखो, बहुत सारे लोग सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करते हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूं कि देखो, आपको डिसाइड करना है कि आपको स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसे बनाने हैं कि कम पैसे बनाने हैं। अगर आपको देखो ज्यादा पैसे बनाने हैं तो आप ऑफकोर्स जो है ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, लेकिन अगर आप बड़े कैपिटल के साथ आ रहे हो तो आपको छोटा रिटर्न चाहिए, आप महीने के अगर आप 5%, 7% बना के, 10% बना के खुश, तो आप जो है फ्यूचर ट्रेडिंग में आ जाओ, ठीक है। मेन यही चीज है, मेरे कहने का मतलब यही है कि एज अ स्कैल्पिंग करना चाहते हो, सुकून चाहते हो, कम रिटर्न चाहते हो, तो फ्यूचर ट्रेडिंग को चुनो। और बड़े रिटर्न चाहते हो कि एक दिन में 1,00,000 का 1,20,000, 1,50,000 बन जाए, और 1,90,000 हो जाए, 70,000 हो जाए, तो ऑप्शन ट्रेडिंग चुनो, ठीक है। दोनों में अपने अपने चीजें हैं, लेकिन एक बात है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छे से सीख गए तो बहुत बड़े बड़े रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या है, स्टेबिलिटी है, ठीक है, और साथ साथ थोड़े रिटर्न कम है लेकिन स्टेबिलिटी है। तो वो आपके माइंड के ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा ज्यादा आपको बेटर समझ में आता है, क्या चीजें आपको करनी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड मैं देवांश आपको मिलता हूं किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ। Investments and securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.